सभी को नमस्कार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संघ के सभी प्रमुख कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और आप जानते हैं कि यहाँ पर संघ की अखिल भारतीय बैठक हो रही है। संघ की दृष्टि से वर्ष में दो महत्वपूर्ण बैठकें होती है, एक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा जिसका आयोजन सामान्यतः मार्च के माह में किया जाता है और दूसरी बैठक होती है अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल जिसका आयोजन सामान्यतः दीपावली के पूर्व किया जाता है। ये अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की जो बैठक है उसी का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। कल रविवार दिनांक 16 अक्टूबर से बुधवार दिनांक 19 अक्टूबर तक ये बैठक यहाँ पर आयोजित हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं इस बैठक में सभी संघ के जो प्रांत हम लोगों ने अपनी रचना से बनाए हैं 45 प्रांत, उन सभी 45 प्रांत के जो प्रांतीय संघचालक है, सह संघचालक तथा उन प्रांतों के प्रांत कार्यवाह, प्रांत सह कार्यवाह, प्रांत के प्रचारक और एवं सह प्रांत प्रचारक, ये सभी लोग उसमें अपेक्षित रहते हैं और इन्हीं को मिलकर ये कार्यकारी मंडल बनता है। स्वाभाविकली इसमें संघ के सभी अखिल भारतीय अधिकारी, पूजनीय सरसंघचालक डॉक्टर मोहन जी भागवत, माननीय सरकार्यवाह दत्तात्रेय जी भुजबले, सभी सहसर कार्यवाह, जो संघ के कार्य विभाग है शारीरिक बौद्धिक प्रचार सेवा, ऐसे सभी कार्य विभाग के प्रमुख पदाधिकारी, संघ की जो अन्य गतिविधियां चलती है, कुछ जो पहल संघ ने की है कई विषयों पर, पर्यावरण है, कुटुंब परिवार प्रबोधन है, समरसता है, ये जो कार्य संघ के द्वारा प्रारंभ हुए है, पहल की गई है, उनके प्रमुख भी यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। संघ की पूरी कार्यकारिणी के जितने सदस्य हैं वो भी यहाँ पर अपेक्षित रहते हैं। तो ये एक तरीके से विधिवत कई विषयों पर चर्चा करना और निर्णय करने के लिए सक्षम ऐसा ये कार्यकर्ता संघ का समूह है, अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल एबीकेएमपी कह सकते हैं। बैठक में स्वाभाविक रूप से पिछले हर वर्ष हम लोग एक योजना बनाते हैं जो मार्च के प्रतिनिधि सभा में हम लोग बनाते हैं कि संघ कार्य का विस्तार कैसे होगा, कौन से आयोजन होंगे, कौन से विषय हाथ में लिए जाएंगे। तो उस संदर्भ में जो योजना मार्च के प्रतिनिधि सभा में बनी थी उसकी समीक्षा भी हम लोग यहाँ करेंगे, उसका वृत्तांत भी लेंगे। शाखा के विस्तार का वृत्तांत लिया जाएगा, हमारे अलग अलग प्रकार के जो संपर्क चलते हैं आईटी के विद्यार्थियों में ज्वाइन एनालिसिस से कितने लोग सामने आए हैं या अलग अलग प्रकार से जो हम लोग अभियान चलाते हैं उसमें कितने लोग जुड़े, तो ये सब का वृत्तांत यहाँ पर लिया जाएगा और उस कार्य की समीक्षा भी यहाँ पर होगी। उस दृष्टि से ये बैठक संघ कार्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और विशेषकर अब हम सब जानते ही हैं कि परम पूजनीय सरसंघचालक जी का जो उद्बोधन विजयादशमी के पर्व पर एक विशेष आयोजन जो नागपुर में होता है उसमें होता है और उसमें कई प्रकार के समसामयिक मुद्दे राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हैं। इस बार भी उन्होंने उन मुद्दों को पूरे देश और समाज के सामने रखा है। उन मुद्दों के अनुवर्तन के बारे में, मतलब फॉलोअप के बारे में, कैसे उसको समाज में ले जाएंगे, उसके संदर्भ में आगे समाज में और क्या उपक्रम होंगे, इन विषयों के बारे में यहाँ पर चर्चा होगी और एक दिशा उस संदर्भ में बनेगी जिसकी जानकारी आपको बैठक के अंत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा दी जाएगी। साथ ही संघ का शताब्दी वर्ष आ रहा है, आप जानती है कि
में 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। लगातार कार्य चलता रहा और अब 2025 में 2025 में उसके कार्य के 100 वर्ष भी होंगे। तो शताब्दी वर्ष के निमित्त कोई विशेष कार्यक्रमों की योजना तो नहीं बनी है, परंतु निश्चित कार्य विस्तार की योजना बनी है। एक भौगोलिक कार्य विस्तार की योजना बनी है जिसके बारे में पहले भी उल्लेख हमने किया है। वो कार्य लगातार चल रहा है और जैसे कि पहले भी बताया था कि पूर्व में संघ का कार्य लगभग 55,000 स्थानों पर संघ का कार्य चल रहा था। हम लोगों का लक्ष्य हमने रखा हुआ है कि मार्च 2024 तक, यानी हमारी योजना मार्च 2021 से मार्च 2024 तक 3 वर्षों की योजना है, तो तब तक 1,00,000 स्थानों पर संघ कार्य पहुंच जाए। स्वाभाविक रूप से उस दृष्टि से तैयारी भी हुई है कि कहां कहां कौन जाएंगे, कैसे जाएंगे और कौन सी शाखाएं, कौन सा जिला किस तरह से योजना करेगा, उसका काफी विस्तृत विवरण के साथ योजना बनी है और हम हर अपनी बैठकों में अखिल भारतीय स्तर पर, प्रांत स्तर पर उसकी समीक्षा कर रहे हैं। तो उस संदर्भ में भी यहाँ पर विशेष रूप से समीक्षा की जाएगी। आगामी दृष्टि से एक और विषय के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे संघ शिक्षा वर्ग होते हैं तो सामान्यतः मार्च, अप्रैल और मई में प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष के वर्ग होते हैं। पिछले 2 वर्ष वर्ग नहीं हो पाए थे संघ शिक्षा वर्ग, इसलिए इस बार सामान्य दृष्टि से जो वर्ग मई में होता है वैसा ही वर्ग मई में हुआ और एक वर्ग हम लोगों ने नवंबर मास में रखा हुआ है, नागपुर में ही होगा। 14 नवंबर को वो प्रारंभ होगा नागपुर में और 8 दिसंबर को उसका समापन होगा। तो ये योजना बनी है, लगभग उसमें भी लगभग 750 शिक्षार्थी, 750 तक शिक्षार्थी सहभागी होंगे। तो ये सारे कई सारे विषय हैं जिसके बारे में विस्तार से चर्चा और कई मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी। विशेषकर जो संघ शिक्षा वर्ग योजना और उसमें सरसंघचालक जी के विजयादशमी उद्बोधन में आए मुद्दे, इन विषयों पर यहाँ पर चर्चा होगी। बाकी आप पूछना चाहते हैं तो संक्षिप्त में पूछ सकते हैं। वैसे कल सुबह बैठक का प्रारंभ होगा 9 बजे, 16 तारीख को 9 बजे बैठक का प्रारंभ होगा और माननीय सरकारवाजी 19 तारीख को दोपहर में इसी काल में प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस को संबोधित करेंगे, उसमें प्रश्नोत्तर के लिए भी अवसर रहेगा। इस बीच में जो कार्यक्रम होगी उसकी मीडिया के लिए क्या व्यवस्था रहेगी, जो आपका कार्यक्रम चलेगा उसके लिए कवरेज के लिए या ब्रीफिंग के लिए कोई व्यवस्था रहेगी? कल आप लोगों के लिए सूचना यहाँ पर देंगे। कल आप लोग यहाँ फोटो और वीडियो के लिए आ सकते हैं और उसके बाद कोई ना कोई हमने से आपको ब्रीफ भी देगा, केवल वहाँ लेकिन प्रेस को इतनी अनुमति होगी, बाकी आप लोग को ब्रीफ किया जाएगा। बाकी 19 तक क्या डेली ब्रीफिंग होगी क्या सर? अभी तक तो हमने सोचा नहीं है। कल जो इनॉग्रल सेशन होगा 9 बजे से होगा तो वो उसमें तो आ सकते हैं हम लोग? मैंने अभी बताया, आपने सुना नहीं शायद, मैंने वही कहा उसमें फोटोग्राफर और वीडियो के लिए प्रारंभ में 5 मिनट जब शुरू होगी तो आप ले सकते हैं और उसके बारे में जो ब्रीफ होगा कोई ना कोई हमने से कोई ना कोई ब्रीफ भी करेगा बाहर आकर। सर एक निवेदन था कि जैसे 4 सत्र चलेंगे अलग अलग सत्र, तो अगर कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए चाहे गेट पर ही, कोई एक व्यवस्था आके बताए कि ये सत्र किस समय चल रहा, कुछ इस तरह से कोई अपडेट हो, डेली हर बाद में टाइम शाम। आपकी आपका सुझाव हमने ले लिया, अभी उस पर सोचेंगे, क्योंकि एक्चुअली जो मीडिया संस्थानों पर रहता है कि क्या चल रहा है। आपका सुझाव गंभीरता से ले लिया, उस पर सोचेंगे। सर कोई अगर एक जगह निर्धारित कर दें कि जो मीडिया के लोग आएंगे, जैसे वहाँ 5 मिनट कर लिया उसके बाद हमें शहर जाकर फिर लौटना मुश्किल होता अगर हम रुकें, तो कोई एक जगह निर्धारित करे कि हाँ हम वहाँ पर, ये मीडिया के लिए जगह है, वहाँ तक आ सकते हैं, वहीं पर कोई आकर ब्रीफ कर देगा, उससे आगे अंदर नहीं आना। अगर इस तरीके का कोई हो जाए तो बढ़िया। बैठक के संदर्भ में कोई प्रश्न है आपका?
नहीं कुछ पॉलिटिकल मुद्दों पे भी डिस्कस होगा। मैंने कहा पूजनीय सरसंघचालक जी के उद्बोधन में विजयादशमी जो विषय आए उनके अनुवर्तन के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से उनके उद्बोधन में जो मुद्दा आए थे उन मुद्दों पर चर्चा होगी। जैसे जनसंख्या असंतुलन के बारे में चर्चा आई थी उस पर चर्चा होगी। सामाजिक समरसता बनाने, हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने सामाजिक समरसता का विषय भी उठाया था उस पर भी चर्चा होगी। निश्चित रूप से समाज के अंदर कुछ उदार रवैया संघ अपनाने जा रहा है। संघ पहले से ही उदार है। संघ प्रमुख जी ने कहा था अल्पसंख्यकों को जोड़ने पर ज्यादा फोकस किया था, तो वो भी एक बड़ा, उन्होंने ये कहा था कि हम लोगों को जहाँ की जहाँ से भी चर्चा और वार्तालाप सौहार्द के लिए निमंत्रण होता है हम वार्ता के लिए तैयार रहते हैं और ये संवाद की प्रक्रिया हमारी तरफ से जारी रहेगी। तो ये उन्होंने कहा था उसी पर संघ अभी भी स्टैंड है। तो 2025 पे आप चर्चा करेंगे, उसके पहले 2024 पे भी कुछ चर्चा होगी क्या? संघ के अपने कार्य के बारे में यहाँ पर चर्चा होगी, संघ के जो विषय मैंने बताए उन पर चर्चा होगी, ये निश्चित है। तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि 2022 से लेकर 2025 तक देश में होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संघ चर्चा करेगा। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि पूजनीय सत्संग चालक जी ने अपने उद्बोधन में जो विषय कहे उन विषयों पर, उन समसामयिक विषयों पर हम चर्चा करेंगे, इतना ही मैंने कहा है और उतना ही आप समझे ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना। 2025 में कुंभ भी यहाँ आयोजित होगा संगम नगरी में और आपके 100 साल भी पूरे होंगे, क्या कुछ योजना इस टाइप की भी है क्योंकि प्रयागराज में कोई इस टाइप का? प्रयागराज का कुंभ तो बड़ा ही होता है। तो आपके भी 100 साल पूरे हो रहे हैं कुछ? अभी 100 साल के कार्यक्रमों के बारे में कोई अभी योजना नहीं बनी है। मैंने, मुझे लगता है कि मैंने बहुत साफ तौर पे कहा है कि जिन मुद्दों पर उन्होंने अपने विजयादशमी उद्बोधन में कहा है उन विषयों की चर्चा यहाँ होगी और उस पर निश्चित रूप से विचार विमर्श करेंगे। उसके बारे में कोई भी प्रश्न होंगे आपके तो माननीय सरकारीवाद जी अपने संघ के उस दिन उपस्थित रहेंगे। 19 तारीख को दोपहर लगभग यही समय रहेगा और वो संबोधित भी करेंगे बैठक के निर्णयों के बारे में और आपके प्रश्नों को भी लेंगे। दिन भर चलती है, 4 से 5 सत्र होते हैं पर डे, 4-5 सत्र, 4 से 5 कभी हमारा दूसरा कोई कार्यक्रम हो तो 4 नहीं तो 5, इसलिए आप 4 से 5 ऐसे समझ सकते। सर विजय दशमी वाले दिन जो बातें उन्होंने कही थी वो कौन कौन से टॉपिक एक बार बता दीजिए कि जो है जिनकी चर्चा होगी इन 4 दिनों में? ऐसा है विजयादशमी के दिन उन्होंने 2-3 बातों पर कहा। एक तो उन्होंने कहा कि कैसे समाज में मातृभाषा में शिक्षा, इसके बारे में उन्होंने उल्लेख किया था और उसके आग्रह पर उन्होंने बात बताई। जनसंख्या में असंतुलन के बारे में उन्होंने अपने उद्बोधन में बात बताई थी। महिला सर्वाग के बारे में उन्होंने बात बताई थी। ऐसे और भी और संवाद जो है समाज के सभी वर्ग से संवाद, वो विषय उठाया था और विशेषकर ये आग्रह किया था कि सामाजिक समरसता के संदर्भ में, सामाजिक समता के बारे में पूरे समाज को कैसे सामने आना चाहिए और इन प्रश्नों को गंभीरता से हमें तत्काल रूप से कैसे उसका निराकरण करना चाहिए इसके बारे में बताया था। ठीक है, बहुत बढ़िया, नमस्ते। सर कोई लोकल वो रहेंगे आपको जानकारी नहीं, सवाल नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ कवरेज के लिए। सर एक क्वेश्चन था, एक विशेष आमंत्रित सदस्य भी आएंगे क्या, कोई पॉलिटिकल या सामाजिक या बौद्धिक? संघ की बैठक में जो अपेक्षित सूची है उनमें से लोग आएंगे, बाकी के बारे में हमें जानकारी नहीं है।